स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 1971 मुक्ति संग्राम पर पाकिस्तान के बयान पर बांग्लादेश का कड़ा एतराज, कहा आंदोलन में भारत से मिला समर्थन, पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप नहीं। उग्रवादियों के भारतीय सीमा में घुसने की खुफिया सूचना के बाद पूर्वोत्तर में हाई अलर्ट, सेना ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया सुरक्षा हालात का जायजा। बिहार में बीजेपी को मिला मांझी का साथ, सीट बंटवारे पर 15 जून के बाद फैसला, जेडीयू ने गठजोड़ को बताया बेअसर। दिल्ली में अधिकारों के विवाद के बीच बड़ा फेरबदल, केजरीवाल सरकार ने 25 अधिकारियों के किए तबादले, शकुंतला गैमलिन को उद्योग विभाग से हटाया। और असम में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, कर्नाटक के बाद मुंबई पहुंचा मानसून, उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। बांग्लादेश ने 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के दौरान भारत के हस्तक्षेप करने के पाकिस्तान के बयान की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका यात्रा के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को समर्थन देने का बयान दिया था, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश का यह बयान आया है। पाकिस्तान के सीनेट ने भी गुरुवार को इसी मुद्दे से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन अल हक ने एक बयान में कहा कि 1971 में भारत का समर्थन, पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप नहीं था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे पड़ोसी देश के मामले में भारत की नकारात्मक भूमिका की पुष्टि होती है। वहीं उग्रवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन के बाद केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। यह कदम उग्रवादियों के भारतीय सीमा में घुसने और सेना पर हमले की आशंका के चलते लिया गया है। वहीं सुरक्षा हालात को लेकर दिल्ली में कल गृह मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई, तो इम्फाल पहुंचकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया। पूर्वोत्तर के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली में गुरुवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हुए। सरकार ने म्यांमार ऑपरेशन के बाद उग्रवादी गुटों के सेना पर हमले की आशंका को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। उधर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल दी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज आर केपेबल इनफ टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिनेरियो एंड एनी चेंज That takes place suddenly or over a period of time. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जो भारत के नए रुख से डरे हैं वही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल निसार अली खान ने बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। सिंपल एक्शन अगेंस्ट इंसर्जेंट्स हैज चेंज्ड द माइंडसेट ऑफ द फुल security scenario in the country. Those who fear India's new posture have started reacting. इधर विपक्षी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने म्यांमार ऑपरेशन को लेकर मंत्रियों की ओर से जारी बयानों की आलोचना की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पहले भी गोपनीय तरीके से ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन सेना की कार्रवाई को लेकर मंत्रियों का ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं है। There's always sensitivity in such missions and national security questions are involved. The details are not to be given out, the location, the identity of the units which they have done. And the minister's comments and the competition for publicity is unwarranted. सेना के मुताबिक मंगलवार को विशेष दस्ते के ज्वाइंट ऑपरेशन में म्यांमार की सीमा के भीतर उग्रवादियों के 2 शिविरों को ध्वस्त करके चंदेल हमले के जिम्मेदार उग्रवादियों को मार गिराया गया था। हालांकि म्यांमार ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर अपनी सीमा के भीतर ही ऑपरेशन को अंजाम दिया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अब राजनीति के गलियारे से अहम खबरें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होंगे और बीजेपी के साथ बिहार में सियासी समर में उतरेंगे।
इस सिलसिले में गुरुवार को उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं जेडीयू ने इस गठबंधन को बेअसर बताया है। बिहार में चुनाव से पहले ही जेडीयू आरजेडी गठबंधन ने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाकर बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन बना दिया है। बीजेपी के पास यहां सुशील मोदी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सके। दूसरे किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने में बीजेपी को गुटबाजी का खतरा सता रहा है। खासतौर पर दिल्ली के चुनावों में किए गए प्रयोग के बाद बीजेपी के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल भरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव का ऐलान होगा उससे पहले कई जगह हम लोग मुख्यमंत्री के पद का ऐलान करते हैं, कई जगह नहीं करते, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। उनके कहने से हम घोषित करेंगे क्या? उन्होंने घोषणा किया तो 29 मार्च को घोषणा कर दिया है, तो घोषणा कर दिया तो फिर क्यों कहते हैं कि हमने जहर पिया है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से सामाजिक समीकरण भी बीजेपी के लिए चुनौती भरे होंगे। बीजेपी की कोशिश होगी कि अपने पुराने साथी रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी को भी इस गठबंधन में शामिल कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाया जाए, लेकिन पार्टी के लिए सीट बंटवारा एक बड़ा मसला हो सकता है। हर हालत में हम लोग उस गठबंधन को डिफाई करें, उसके लिए हम लोगों को जहां तक जैसे जो कन्विंसिंग एटीट्यूड से जो भी करना होगा एक दूसरे को मदद करेंगे। उन लोगों ने कर लिया है, हम लोग भी कर लेंगे। समय कोई अभी बीता नहीं है, अब शुरुआत हो रही है, तो हम लोग भी कर लेंगे। हम लोगों के लिए उनका गठबंधन कोई चिंता का विषय नहीं। इसी साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेशक अब आमने सामने का होगा। एक तरफ जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी। बीजेपी का दावा है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी बिहार के जातीय समीकरणों को अनदेखा नहीं कर सकती। बीजेपी भले ही एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सहयोगियों की ओर से ज्यादा सीटों की मांग के दबाव से उसे उबरना होगा। इस मामले में जीतन राम मांझी को साधना भी पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। प्रणब गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ अधिकारों के विवाद में उलझी दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। करीब 25 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शकुंतला गैमलिन को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिया गया है, लेकिन वो विद्युत विभाग की प्रधान सचिव बनी रहेंगी। कुछ हफ्ते पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने गैमलिन को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जंग के बीच अधिकार क्षेत्र का विवाद शुरू हो गया था। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के एमडी रमेश तिवारी को एनसीआर बोर्ड का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। जेडीयू सिद्दीकी डीटीटी डीसी के नए एमडी होंगे। इसके अलावा भी कई विभागों के प्रमुखों के तबादले किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल से अधिकारों की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को एक और झटका लगा। केंद्र सरकार ने गृह सचिव धर्मपाल को हटाने के दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास गृह सचिव को पद से हटाने का अधिकार नहीं है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल नहीं देने की अपील की है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के एक और फैसले को गलत करार दिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य की होम सेक्रेटरी धर्मपाल का तबादला किया, तो उपराज्यपाल नजीब जंग ने उसे रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑल इंडिया ज्वाइंट सर्विसेज कैडर रूल्स के अनुसार सिर्फ गृह मंत्रालय ही दिल्ली के होम सेक्रेटरी को पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय और एलजी को चिट्ठी लिखकर धर्मपाल मामले को दिल्ली सरकार का अधिकार बताया है। जानकारों का मानना है कि कानून की अलग अलग व्याख्या इसकी वजह है। ये समझना चाहिए ये तकरीबन यूनियन टेरिटरी है और इसके इसके इसको गिने चुने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन्हीं पर उनको गौर करना चाहिए और जो नहीं है उनको क्या लेना देना, उसको रहने दीजिए। लेकिन हाँ, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलजी और चीफ मिनिस्टर में तालमेल बहुत जरूरी है। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में केंद्र से उसके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने को कहा है। इन सबके बीच दिल्ली सरकार ने राजेंद्र कुमार को राज्य की होम सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया था, जिससे टकराव और बढ़ गया। दिल्ली एसीबी के प्रमुख के पद को लेकर भी आपसी टकराव जारी है। उपराज्यपाल ने
ज्वाइंट कमिश्नर एमके मीणा को एसीबी का प्रमुख बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने नए एसीबी चीफ को भी ज्वाइन करने से रोक दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच की तनातनी मूल रूप से संविधान के नियमों की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने से है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता इस बात को समझ पाएगी या फिर इस तनातनी का असर जो आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है उसका ठीकरा आम आदमी पार्टी के सिर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन डी के पांडे के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 30 जून तक होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस दौरान वित्तीय वर्ष के बाकी बचे 9 महीनों के लिए बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि बजट का मसौदा तैयार करके उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है, जिससे बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल सके। बजट मसौदे में बिजली सब्सिडी जारी रखने का प्रावधान किया गया है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को आगे की जांच के लिए आज बिहार के भागलपुर ले जाया जा सकता है। इससे पहले कल तोमर को दिल्ली की अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तोमर को जमानत मिलने से मामला और भी उलझ सकता है। दूसरी तरफ फर्जी डिग्री की जांच के मामले में दिल्ली पुलिस ने कल फैजाबाद में तोमर से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। इस बीच करोलबाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि भी फर्जी डिग्री मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में रवि के खिलाफ दिल्ली के प्रशांत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तोमर को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने तोमर की फर्जी डिग्री मामले में नियमित जमानत के लिए अपील पर सुनवाई 16 जून तक के लिए टाल दी है। अदालत ने कहा कि तोमर को जमानत से ये मामला और उलझ सकता है। वो इंटरिम बेल अभी नहीं दी है, उन्होंने कहा सारा फाइनली डिस्पोज होगा। 16 जून को डेट लगा दी, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भी वो आईओ और केस डायरी के साथ उन्होंने हाजिर रहेंगे। दिल्ली पुलिस तोमर को बुधवार को फैजाबाद लेकर आई थी, जहां अवध विश्वविद्यालय में उनका कोई शैक्षिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। रात में पूर्व कानून मंत्री को फैजाबाद में ही रखा गया और बुधवार को भी उनसे पूछताछ जारी रही। कानून की फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें भागलपुर ले जाया जा सकता है। तोमर पर स्नातक के साथ LLB और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। पुलिस फर्जी डिग्री के रैकेट के एंगल से भी जांच कर रही है। हमारा एक्सपीरियंस यह है कि अगर कोई बनाता है तो वो सिर्फ एक बार यूज करने के लिए नहीं बनाता, वो इस प्रकार के धंधे में लिप्त होता है और वो कई लोगों को इस प्रकार की फर्जी डिग्रियां देता है। तो देश में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक हमारा फर्ज होगा कि हम उस रैकेटियर को पकड़ने के बाद में उससे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के फर्जी डिग्री मामले में फंसने के बाद पार्टी के कुछ और विधायकों पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह और विशेष रवि पर डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई विधायक विवादों के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में आंदोलन से उभर कर आई एक पार्टी पर दिल्ली की जनता सवाल उठा रही है कि आखिर ये पार्टी भी दूसरे पार्टियों की तरह निकलेगी या फिर विवादों से उभर कर एक बेहतरीन सत्ता यहाँ की जनता को दे पाएगी। दिल्ली से डीके पांडे के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और इस पर पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आज फैसला लेंगे। इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। वह सोमनाथ भारती पर लगे आरोपों के बाद बीजेपी, कांग्रेस और महिला संगठनों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। घरेलू हिंसा का आरोप लगने के बाद सोमनाथ भारती अब चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को तमाम महिला संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे सोमनाथ भारती का भी घेराव किया। युवा कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय पर विरोध किया तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सोमनाथ भारती के आवास का घेराव किया। बहुत कॉन्फिडेंट होके कहते थे ना, हम नारी का सम्मान करेंगे, हम दिल्ली की सरकार ऐसे चले, अब इनके सारा भ्रष्टाचार इनके पास है, सारा करप्शन इनके पास है। दूसरों के ऊपर एक उंगली करते थे, चार उंगलियां इनके अपने ऊपर उठती हैं। आज अपने आप को साबित करें ना, प्रूफ करके दिखाएं अपने आप को। उधर दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ भारती पर लगे आरोपों को काफी गंभीर बताया है। महिला आयोग ने 26 जून तक सोमनाथ भारती को जवाब देने का समय दिया है। इनके ऊपर कई केसेस इसमें लग सकते हैं,
फोर्जरी का लगेगा, डाउरी का लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का लगेगा, बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं और 26 तारीख का नोटिस दिया है, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम पुलिस को लिखेंगे और इनके ऊपर FIR दर्ज कर रहा है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर लगातार लग रहे आरोपों को संगीन बताया है। ये केस अगर जो है जिस प्रकार से सोमनाथ भारती जी की वाइफ ने कल जो बातें कही हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीर वो आरोप हैं, और वो आरोप अगर सही हैं तो इनके ऊपर केस जरूर दर्ज होना चाहिए। इस मुद्दे पर सोमनाथ भारती समेत परिवार के सदस्य सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बारे में सफाई देने से बचती नजर आ रही है। वो सारी खबरें तो आप चला ही रहे हैं, सरकार क्या कर रही है वो भी चला ही रहे हैं। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार अधिकारों की जंग और विवादों में उलझी है। इस बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन और उग्र कर दिया है। इसमें उन्हें दूसरे नगर निगमों का भी साथ मिल रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर ने कहा कि अगर सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला तो पूरी दिल्ली में आंदोलन फैल सकता है। सरकार और MCD के बीच तकरार का सबसे ज्यादा खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह नजारा है पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर इंडस्ट्रियल एरिया का। तनख्वाह नहीं मिलने से 3 हफ्तों से सफाई कर्मियों की हड़ताल है और सड़कें कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। इन हड़ताली कर्मियों को दक्षिण दिल्ली के महापौर सुभाष आर्य का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगर वेतन नहीं जारी किया तो यही स्थिति पूरी दिल्ली में हो सकती है। हम इतना मानते हैं कि स्ट्राइक केवल अभी एक इस दिल्ली में है, अगर ये बाकी जगह भी पेमेंट रोकी गई तो तीनों में फैल सकती है, उसकी दिक्कतें तीनों में आ सकती है। और सरकार का काम किसी भी कमी को बढ़ाना नहीं होता, कमी को बैठकर दूर करना होता है। हड़ताल पर गए पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मी दिल्ली और केंद्र सरकार की खींचतान में फंसे हैं। दिल्ली सरकार ने तनख्वाह के लिए केंद्र से बजट नहीं मिलने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार आपस में टकरा रही है, वो उसकी गलती बता रही है, वो उसकी गलती बता रही है। हमें क्या चाहिए? हमें तो अपने रुके हुए पूरे लाभांश चाहिए, अपनी सैलरी चाहिए। अब वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए मजदूर क्या करेगा? बेबस हो गए मजदूर, पिछले 16 दिन से हड़ताल पे है, और हमारी मांग यदि नहीं मानी गई तो लगातार हम हड़ताल करेंगे। हालांकि दिल्ली नगर निगम के मुताबिक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी की कोशिश, बात इंसानियत की, जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकल पा रही। घंटों की मेहनत और मुआवजे के नाम पर चंद रुपए। कहानी जंगल के रखवालों की। सोलिगा वैसे तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनके मुख्य कुल देवता महादेश्वर हैं। सफर लहरों के सौदागरों के साथ। अब मछली पकड़ना घाटे का सौदा बनता जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और हम खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में बीती आधी रात को फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। कल भी पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाक सेना ने गुरुवार सुबह 9 बजे पुंछ के साजियान सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की थी। बात मौसम के बिगड़े हालात की। देश के उत्तरी हिस्से में लोग भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे हैं, तो पूर्वोत्तर के राज्य मॉनसून की वजह से हो रही भारी बारिश से पीड़ित हैं। बीते कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के बाद असम में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। असम के 15 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और 700 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। पिछले एक हफ्ते से ब्रह्मपुत्र और जिया भराली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के 15 जिलों के 700 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं।
बारपेटा, धेमाजी, लखीमपुर और सोनितपुर जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाकों में करीब 11,000 हेक्टेयर में फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये पानी तो क्लाइमेट ऊपर है तो किमान बाहे आमी सेतु कम नपाम किमान आही जाय घंटा किमान आहे घंटा केतेबा है तो साई आहे जाय केतेबा धर एको आहे बा 2 घंटा 4 घंटा मुत एके स्थिति होय थाके एनिका किसमन। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सरकार ने कई जगहों पर राहत शिविर लगाए हैं। असम सरकार ने स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 13 जून को इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर मुंबई महानगर के कई इलाकों में बीती रात मानसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वैसे मुंबई में आमतौर पर 10 जून तक मानसून आ जाता है। इससे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरल, दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु और उत्तरी कर्नाटक के शेष इलाकों और रायलसीमा में पहुंच चुका है और ये अरुणाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में भी सक्रिय हो चुका है। अच्छी बारिश हुई है और ठंडा मौसम हो गया है तो इससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, राहत मिलेगी और जिस गर्मी से वो परेशान थे वहाँ उनको एक लगेगा एक सुकून। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी थी तो आज एक अच्छा मौसम है। रात के 1 बजे भी लग रहा है कि हाँ चलो थोड़ी देर और बैठते हैं फिर घर जाया जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की फोन टैपिंग विवाद के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बंटवारे को 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में विकास और दूसरे मसलों पर चर्चा हुई। राज्यपाल नरसिम्हन ने कहा कि फोन टैपिंग मामले में कोई बात नहीं हुई है। इससे पहले बुधवार को नायडू ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और तेलंगाना सरकार की तरफ से उनके फोन की टैप किए जाने की जांच कराने की मांग की थी। इस बीच दोनों राज्यों के बीच पलामुरु लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश ने परियोजना के लिए जरूरी तकनीकी मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो परियोजना के काम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रांसजेंडरों को जल्द ही अनुसूचित जाति और विकलांग श्रेणी के लोगों को मिलने वाले आरक्षण और दूसरी सुविधाएं मिल सकती हैं। केंद्र सरकार इसके लिए जरूरी कानूनी प्रावधान पूरे करने की दिशा में जुटी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने उम्मीद जाहिर की कि विशेष तौर से सक्षम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई कौशल विकास योजना का लाभ जल्द ही ट्रांसजेंडर भी उठा सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2014 में ही केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का निर्देश दिया था। हम ट्रांसजेंडर समूह को वो सारी सुविधाएं जो अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग और विकलांग वर्ग के छात्र छात्राओं को दे रहे हैं या नौकरियों में कुछ सुविधा दे रहे हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के कानूनी प्रारूप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट मैगी नूडल्स पर रोक के खिलाफ नेस्ले इंडिया की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के उस आदेश की न्यायिक समीक्षा की मांग की है जिसके तहत भारत में मैगी के उत्पादन और बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। इस बीच खाद्य पदार्थों में लेड को लेकर नई रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला लेड लोगों को बीमार बना रहा है। देश भर में उपभोक्ताओं के ब्लड सैंपल की जांच में पाया गया कि 23% लोग लेड के संक्रमण के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल 1,43,000 लोग सीसे के संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मध्य एशिया देशों के साथ लंबे अलगाव को दूर करने के लिए भारत नए सिरे से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय का मानना है कि रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मध्य एशिया में फिलहाल चीन का संपर्क ज्यादा है, वहीं भारत अपनी क्षमता से कम स्तर पर काम कर रहा है। In 1990s, we had lot of Indian products in our markets.
And I may say that some markets will flux with Indian products. But what happened? Why now Yashwan place is so calm? ताजिकिस्तान की तरह मध्य एशिया के दूसरे देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान भी ऐसी ही सोच रखते हैं। One of the most important points that he has made is the lack of awareness, the lack of knowledge which is obviously there with respect to how we see the region and the very fact that we are looking at the region as a whole is part of that lack of awareness. सोवियत संघ से अलग होने के तीन महीने के भीतर इन पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया था। संबंधों में मजबूती के लिए कई मसलों पर सहमति भी बनी, लेकिन उन पर मुस्तैदी से अमल नहीं हो सका। अब भारत इन देशों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश में है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ इन पांचों देशों की यात्रा करके संबंधों को नया आयाम देने का प्रयास करेंगे। Obviously, there is a lack of political connectivity, and given the political setups, I think equations between leaders, direct conversations between leaders, are very, very significant in these relationships. So, one at least that element, hopefully, is going to be rectified very soon. ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये देश भारत के लिए काफी अहम है। यहाँ तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है और यूरेनियम भंडार के मामले में कजाकिस्तान तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि उत्पादन के मामले में ये सबसे आगे है। चीन ने इन देशों में पिछले एक दशक में 33 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि भारत के साथ इन देशों का कुल कारोबार महज 1.5 अरब डॉलर का है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। खबर नेपाल से, जहां भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर पर्वतीय इलाके में गुरुवार को भूस्खलन से 6 गांव जमींदोज हो गए। इस आपदा में 41 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक तापलीगंज जिले के गांव में हुए भूस्खलन में मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल की सेना और नेपाल पुलिस बचाव अभियान में जुटी हुई है, लेकिन बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। वहीं भूस्खलन के चलते मेची हाईवे बंद हो गया है। 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद ये नेपाल में दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा है। मशहूर अभिनेता सर क्रिस्टोफर ली का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। ब्रिटेन में जन्मे इस विख्यात अभिनेता को ड्रैकुला और फ्रैंकस्टीन जैसे डरावनी फिल्मों के अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। क्रिस्टोफर ली ने जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्में स्कारामांगा और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जादूगर सरुमान की भूमिका निभाई थी। उन्हें 2009 में नाइटहुड सम्मान से नवाजा गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुक्ति संग्राम पर पाकिस्तान के बयान पर बांग्लादेश का कड़ा एतराज, कहा आंदोलन में भारत से मिला समर्थन, पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप नहीं। उग्रवादियों के भारतीय सीमा में घुसने की खुफिया सूचना के बाद पूर्वोत्तर में हाई अलर्ट, सेना ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया सुरक्षा हालात का जायजा। बिहार में बीजेपी को मिला मांझी का साथ, सीट बंटवारे पर 15 जून के बाद फैसला, जेडीयू ने गठजोड़ को बताया बेअसर। दिल्ली में अधिकारों के विवाद के बीच बड़ा फेरबदल, केजरीवाल सरकार ने 25 अधिकारियों के किए तबादले, शकुंतला गैमलिन को उद्योग विभाग से हटाया। और असम में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, कर्नाटक के बाद मुंबई पहुंचा मॉनसून, उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं।